उन्नाव केस पर बोले सीएम कमलनाथ, एमपी में बस जाए पीड़िता का परिवार, बेटी की तरह ख्याल रखने का किया वादा। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का बड़ा बयान, बॉब लिंचिंग के लिए केंद्र को ठहराए जिम्मेदार, बोले सरकार में बैठे नहीं चाहते रुके ऐसी घटनाएं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री की अजीबोगरीब सलाह, पेट में दर्द हो तो पीनी चाहिए महुआ की दारू, बीजेपी ने आबकारी मंत्री पर साधा निशाना। ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लैंड रिकॉर्ड विभाग के बाबू की तीन ठिकानों पर छापा मारा, बाबू की चोरी की रिपोर्ट ने खोली थी रिपोर्ट। गिरोह में रुपए के विवाद में रिश्तों का कत्ल, साले ने जीजा को उतारा मौत के घाट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। होशंगाबाद के काजरी मंदिर में अचानक आई बाढ़, सैकड़ों श्रद्धालु फंसे, रस्सियों के सहारे किया गया रेस्क्यू। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म मामले को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है और अब इस मामले में मध्य प्रदेश ने हस्तक्षेप किया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्नाव दुष्कर्म केस की पीड़िता की मां और उनके परिजनों को मध्य प्रदेश में बसने का निर्णय लेने का आग्रह किया है। कमलनाथ ने कहा कि उन्नाव दुष्कर्म मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, यूपी को असुरक्षित बांध छोड़ने का निर्णय ले चुकी पीड़िता की मां और उनके परिजनों से मैं अपील करता हूं कि वे सभी मध्य प्रदेश आकर बसने का निर्णय ले, हमारी सरकार आपके पूरे परिवार को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी। कमलनाथ ने दूसरे ट्वीट में कहा कि बच्ची का हम बेहतर इलाज कराएंगे। जनता पार्टी के दो सदस्य हमारे नारायण भाई और शरद भाई ने भी कांग्रेस का साथ दिया है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। इन्होंने अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हुए ये फैसला, और आज 122 मत जो मिले हैं कांग्रेस को। उत्तर प्रदेश और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने देश भर में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर कहा कि हुकूमत में बैठे लोग नहीं चाहते कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुके, बहुमत हुकूमत बैठे लोग अगर चाहे तो एक भी घटना नहीं हो सकती, हुकूमत में बैठे लोगों को ईमान सही नहीं, बोलते कुछ आ रहे और चाहते कुछ और। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा कि ट्रिपल तलाक इस्लाम के खिलाफ था, मुसलमानों का एक हिस्सा ही इससे मानता, लेकिन जिस तरह की तस्वीर पेश की गई वो गलत था, इसको उन्होंने क्रिमिनल बना दिया। और साथ ही पूर्व राज्यपाल ने जॉर्ज यूनिवर्सिटी बनवाने का पूरा श्रेय यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह को दिया है। भोपाल में फ्लोकेम पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा जहनुमा पैलेस होटल में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। 3 वर्षों में फ्लोकेम पॉलीप्लास्ट ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में विश्वनेता के लिए अपनी अलग पहचान बनाई है। एमपी के डिस्ट्रीब्यूटर नीलम इंटरप्राइजेस ने राजा चंद्रा ने बताया कि फ्लोकेम पोली प्लास्ट संपूर्ण एमपी में अपने डीलर नियुक्त करेगी और फ्लोकेम के उत्पादों की 10 करोड़ की बिक्री के साथ भोपाल पूरे मध्य प्रदेश में अव्वल रहा है, हमारा अगला लक्ष्य 15 करोड़ का है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके चलते मध्य प्रदेश में रोजगार भी उपलब्ध होगा। उन्होंने बोला देखिए मैडम, मैं किसी हाई कोर्ट को नहीं मानता हूँ, मन की तो मैं अध्यक्ष हूँ, आवक जाओ कष्ट पे तो मेरा ही अधिकार होता है। बोली नहीं, मैं आपके आदेश का भी नहीं मानूंगा, आई एम सीएम हूँ, मैं सीएम हूँ और इस बात की मेरे पास। और मुरैना की नगर परिषद जोरा में सीएमओ की कुर्सी को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां वर्तमान सीएमओ नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश पर कुर्सी पर काबिज है, तो दूसरी तरफ ट्रांसफर होकर आए सीएमओ हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर कुर्सी पर अपना दावा ठोक रहे हैं। नगर परिषद अध्यक्ष भी हाईकोर्ट के आदेश पालन कराने की मांग कर रहा है और उन्होंने वर्तमान सीएमओ पर अभद्रता का आरोप लगाया है और इस संबंध में विभाग का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देखिए मैडम, मैं किसी हाई कोर्ट को नहीं मानता हूँ, मन की तो मैं अध्यक्ष हूँ, आवक जाओ कष्ट पे तो मेरा ही अधिकार होता है। बोली नहीं, मैं आपके आदेश का भी नहीं मानूंगा, आई एम सीएम हूँ, मैं सीएम हूँ और इस बात की मेरे पास पूरा प्रूफ है। उन्होंने जो बोला है मैं बिल्कुल
वो राम प्रकाश जी को पता होगा, उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया इस बारे में भी, और वो इनके ही आदेश से आए थे और उनके ही आदेश से शायद गए होंगे। विदिशा की 1100 पंचायत में मौजूदा शासकीय माध्यमिक स्कूल धोखेड़ा के निर्माण में जमकर लापरवाही बरती हुई है, जिसमें चल रहे एक साल से भी एक स्कूल की छत जर्जर हालत में और बारिश के समय इस छत से पानी टपकता है, जिसकी वजह से बच्चे क्लास में नहीं बैठ पाते हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर कई बार अधिकारियों की टीम स्कूल का निरीक्षण कर चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बस आश्वासन दिया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार और इंजीनियर ने घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से स्कूल इस हालत में खड़ा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे मामले को लेकर जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और शहडोल में पुलिस ने एसपी के निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान चला रखा है, और इसी क्रम में कोतवाली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने इलाके में दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला और पुरुष शामिल है। बताया जा रहा है कि दोनों इलाके में कई दिनों से गांजा की सप्लाई करते थे, जिसकी शिकायत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। क्यों इनको दोनों महिला उपनिरीक्षक को बुला रहे हैं ना, इन लोग सुनती नहीं हूँ। विगत कई दिनों से पुलिस अधीक्षक महोदय एवं थाने स्तर पर यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि साबिया बेगम और उसका दामाद याकूब नशा के कारोबार में लिप्त है, कि कल सूचना प्राप्त होने पर मुखबिर द्वारा सूचना जो दी गई थी उस पर दबिश दी गई आरोपिया के घर पर। आरोपिया गांजे का व्यापार करते रगे हाथ गिरफ्तार की गई है, जिसके कब्जे से 1100 ग्राम गांजा 84 पुड़िया हुआ एक पैकेट में बरामद किया गया है, जो धारा 8/20 एक्ट के कारण दोषी पाए जाने पर उसे मौके पर ही गिरफ्तार किया, तथा आरोपी याकूब उसके दामाद को कोरेक्स एवं नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया है। और ग्वालियर के चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां अब चोर बेबस और लाचार लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला यारोग अस्पताल परिसर में स्थित माधव डिस्पेंसरी की ओपीडी का है, जहां लाइन में लगे एक दीमानदार की एक चोर ने जेब काटने की कोशिश की, और वहीं लाइन में लगे एक युवक ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल परिसर में पिछले 6 महीने के दौरान जेब कटी है और ठगी की 6 से भी ज्यादा वारदातें हो चुकी है। वहीं पुलिस ने प्रशासन चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम है। और सिरों के इच्छावर में रुपए को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि साले ने जीजा पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में अपने जीता से रुपए मांग रहा था, और जब उसने रुपए देने से मना कर दिया तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। और झाबुआ के थांदला इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक महिला का शव पेड़ पर लटकता हुआ मिला, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने महिला की शिनाख्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिनाख्त के लिए अन्य थानों से संपर्क किया है। छतरपुर जिले के नौगांव में बच्चा चोरी का मामला सामने आया और सोशल मीडिया पर फैल रही बच्चा चोर गिरोह सक्रिय होने की अफवाह का खामियाजा एक मानसिक रूप से कमजोर महिला को झेलना पड़ा। रामकुटीर चौराहे पर महिला एक बच्ची से अचार मंगाया और बच्ची अचार लेकर आई और महिला को व्यवहार से डर कर रोने लगी। उसका कहना था कि ये महिला उसको पकड़ रही थी और कुछ ही देर में हुजूम जुटा चला गया और भीड़ ने महिला को घेर लिया और भड़के कुछ लोगों ने महिला से मारपीट कर दी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने डायल 100 को सूचना दी और पुलिस मौके पहुंची और महिला को थाने ले गई। लोगों के बताया कि महिला पहले स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी थी और किसी कारणवश उसकी नौकरी चली गई और नौकरी जाने के गम से वह मानसिक रूप से कमजोर हो गई।
और विदिशा की सिरोज तहसील के ग्रामीण इलाके में अवैध खनन जमकर किया जा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार ग्रामीणों ने पुलिस को की, लेकिन कई बार तक कोई कार्रवाई भी अभी तक नहीं हो पाई है। खनन की वजह से इलाके की सड़क जर्जर हालत में है और इसी कड़ी में सिरोज एसडीएम को सूचना मिली कि यूनिवर्सिटी के पास बंसल कंपनी पोकलेन मशीनों की मदद से खनन कर रही थी, तो उन्होंने मौके में पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है। मुझे वहाँ पे अवैध उत्खनन की जानकारी मिली, मैं मौके पे अपनी टीम के साथ गया। वहाँ पे मैंने देखा कि एक पोकलेन और दुडम्बर उत्खनन कार्य कर रहे हैं। मौके पे पहुँचा, मैंने उनसे पूछा कि आपके पास जगह के लिए, जो प्राइवेट जगह है, इस जगह के लिए उत्खनन की अनुमति है? तो वहाँ पे कोई अनुमति मुझे नहीं दिखाई गई, तो मैंने उसको अवैध उत्खनन की श्रेणी में मानते हुए उस पर कार्रवाई की। मैंने पोकलेन और दुडम्बर को जब्त किया, उनकी जब्ती बनाई, सुपुर्दी और थाना प्रभारी सेवन को सुपुर्दगी दी उसमें, है ना, और उसको मैंने उसका जो प्रकरण है अपने यहाँ रजिस्टर्ड करके। छत्तीसगढ़ से सरिया लोडकर मध्यप्रदेश सिंगरौली आ रहे एक ट्रक को एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास कुछ अज्ञात बदमाशों ने ट्रक को लूटने के इरादे से ट्रक ड्राइवर कंडक्टर से मारपीट करके अगवा कर लिया था, लेकिन जिस जगह से बदमाश ट्रक अगवा कर लिया किया गया था वहीं खड़े एक शख्स ने कोतवाली बैडन थाना पुलिस के डायल हंडर नंबर को सूचना दे दी और ट्रक अगवा होने की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आकर ट्रक का पीछा किया और घेराबंदी कर ट्रक को जब्त कर लिया, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भागने में कामयाब रहे। वहीं अभी पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाश में जुटी है। एक ट्रक जो है रायपुर से छत्तीसगढ़ का यूपी CG15 8691, इसका चालक जो है 20 टन सरिया लेकर के वेढ़न आ रहा था। आपताप करके लड़का अपने दो साथियों के साथ में उसको रोक करके मारपीट किया और उसके ट्रक को ले गया। उसमें चक्षुदर्शी साक्षी एक घटना में वो देख रहे थे शारदा पांडे, उनने तत्काल जो है 100 डायल पे इसकी सूचना दी। पुलिस तत्क्षण जो है सक्रिय हो करके उनको घेराबंदी की, अंधेरा था, उसे अंधेरे का फायदा उठा करके वो जंगल में भाग गया है। पुलिस की टीम उसके पीछे पीछे है और संभवतः है। और राजस्थान से ऊंटों को शिवपुरी की सीमा में लाकर तस्करी का प्रयास किया जा रहा है और पोहरी पुलिस ने ट्रक से 19 ऊंटों को मुक्त कराया है। साथ ही ट्रक चालक और क्लीनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की है। ट्रक में ऊंटों की ओर रस्सी से पैर बांधकर ठूस ठूस कर भरा गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान में ऊंटों को परिवहन कर राज्य से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध, इसीलिए मध्य प्रदेश की सीमा में लाकर तस्करी की जाती है। ये जंगल से मंडी के पास से भरे हैं, मंडी के पास से भरना बताया है, और क्योंकि 19 ऊँट हैं और ठूस ठूस कर भरे गए हैं, ये भरतपुर मेले में ले जा रहे हैं जहाँ से जो है बूचड़ खाने के लिए जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। दोनों, क्या कार्रवाई की सर? दोनों आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम 11(6)(6)(10) प्रदेश से बाहर ले जाने की, ठूस कर भरने की और कटने वाले माल की धाराएं लगाई गई हैं। और शहडोल के तहसील कार्यालय बुढ़ार में न्यायालीन कार्य के दौरान सभी मौजूदगी के अचानक जमीन संबंधी फाइल चोरी होने के एक मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत थाने किए जाने के कुछ देर बाद अचानक फाइल तहसील कार्यालय में मिल गई और इस दौरान दिनदहाड़े सभी की मौजूदगी में जिस तरह फाइलें गायब हुई हैं वो कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। फाइलें चोरी होने की घटना के बाद नायब तहसीलदार ने कड़ा रुख अपनाते हुए वहां पर मौजूद लोगों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी और उसमें से कुछ लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज कराया है। उस प्रकरण में मैंने नोटिस जारी करने के संबंधितों को के लिए बाबू रेडियर को दिया हुआ था और वापस आकर के देखे तो बताया कि वो फाइल कहीं गुम हो गई है। हाँ जी, तहसील कार्यालय से मेरे डाइस के सामने ही, और कोई संदिग्ध व्यक्ति है
हो सकता है उसमें उस व्यक्ति का स्वार्थ निहित रहा हो, इस आशय से उन्होंने शायद ऐसा कदम उठाना उचित समझा रहा होगा। हाँ जी, उसके संबंध में हमने शिकायत भी की है ठीक थाने में। और सिंगरौली में एक ठेकेदार की मनमानी के चलते मजदूर का परिवार तबाह होने की कगार पर है। दरअसल इलाके में पीएम आवास योजना के अंतर्गत निर्माण किया जा रहा है, जहां एक साल पहले एक मजदूर की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद ठेकेदार ने बिना किसी सूचना के उसकी पत्नी को भी काम से निकाल दिया, जिससे वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। इस मामले में कलेक्टर का कहना है कि पीड़िता को जल्द ही न्याय दिलाया जाएगा, और साथ ही ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि महिला को दोबारा काम पर रखा जाए। वो नगर निगम, एक्चुअली यूपी कराने वाली है, वो नगर निगम द्वारा जो बन रहा है, मैंने पदम प्रांत आवास है, उधर वो उनका पति 2018 में शायद भी मान खत्म हो गए थे, मैं उनको बता दिया नगर निगम को, वो लोग मैंने उस महिला को काम दे देंगे। जो प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, जो मतलब प्राइवेट फर्म है, मतलब टेम्पररी रूप से हम लोग काम करने का मौका दे देंगे, काम कर लेंगे। और भिंड के अपर कलेक्टर में 3 मावा व्यापारियों के खिलाफ 21,00,000 का जुर्माना लगाया गया। हालांकि यह जुर्माना करीब साल भर पहले हुई खाद विभाग की कार्रवाई के बाद लगाया गया है। साल 2017 में खाद विभाग ने इन व्यापारियों के यहां कार्रवाई करते हुए दूध और मावा के सैंपल लिए थे, जो भोपाल में जांच के दौरान फेल हो गए थे। त्योहारी सीजन में चंबल क्षेत्र के खाद्य सामग्री में जमकर मिलावट की जाती है, और इसी क्रम में पिछले साल खाद्य विभाग ने कुछ व्यापारियों के प्रतिष्ठानों से सैंपल लिए थे। जो दूध के मिलावट के सैंपल थे, जो फेल होके आए थे गवर्नमेंट से, उन्हें प्रकरण की सुनवाई करने के बाद जुर्माने किए गए हैं। एक पे 5,00,000 किया गया, एक पे 7,00,000 किया गया, एक पे 9,00,000 किया। इनमें बाकायदा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के ऑर्डर पास किए गए हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा है कि मिलावटखोरों के खिलाफ सूचना देने वाले शख्स को 11,000 का इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि कई शहरों में सिंथेटिक दूध, मावा और पनीर बनाने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, और इन शिकायतों के आधार पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। और भिंड के अठे थाना क्षेत्र के खिननपुरा में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बच्चे को इलाज के लिए परिजन झोलाछाप डॉक्टर के पास ले गए थे, जहां झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के कारण बच्चे की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। गंभीर हालत में बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज शुरू होने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिजनों की शिकायत पर झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और विदिशा की पठारी तहसील के ग्राम काकल खेड़ी के ग्राम पंचायत भवन में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कुरवाई एसडीएम, सीईओ, तहसीलदार, जेई समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे, और जिन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई की। वहीं ग्रामीणों ने विकास, जन समस्याओं और जन मुद्दों को जमकर उठाते हुए स्कूल बाउंड्री वाल, शांति धाम निर्माण, पेयजल व्यवस्था और सीसी सड़क की मांग की है, जिसे प्रशासन ने शीघ्र पूरी कराने के आश्वासन दिए। सड़क की समस्या है, शमशान की समस्या, पीने के पानी की समस्या और गांव में निर्माण कार्य की समस्या, बाउंड्री वाल की समस्या, ये समस्याएं आई है जो स्थायी कार्य की प्रकृति की समस्याएं हैं, और इनके निराकरण के लिए संबंधित जो भी हमारे विभाग है उन्हें दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी यहाँ पर आई थी, उनके निराकरण भी बहुत जल्दी कर दिए जाएंगे। उसमें जो प्रोसेस करने की प्रक्रिया रहती है, वो प्रक्रिया पूरी होगी और उनके निराकरण किए जाएंगे। और विदिशा की पठारी में हरियाली तीज के मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों और पत्रकारों ने तहसील कार्यालय के सामने मौजूद मंदिर पर वृक्षारोपण किया। इस मौके पर मौजूद एसडीएम ने लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक किया और उनसे अपील की कि पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण जरूर करें। शासन की ओर से भी निर्देश हैं और हमारे जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा भी निर्देश हैं, तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वृक्षारोपण के साथ साथ न केवल वृक्ष को रोपित किया जाएगा, बल्कि उसकी सुरक्षा के और उसके बड़ा होने के इंतजाम भी किए जाएंगे, ऐसा प्रबंध किया जाएगा। महेश्वर में साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था चिंतन यादें रफी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आए कलाकारों ने रफी साहब के नगम पेश किए। कन्याशाला के प्रियदर्शनी सभागार में आयोजित इसकी शुरुआत मौजूद मुख्य अतिथि ने की, और कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि हमारी संस्था पिछले 15 सालों से कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। आयोजन का उद्देश्य हर कलाकार को मंच देकर उनकी प्रतिभा को निखारना है।
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 13 एमपी बटालियन एनसीसी में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर एवं थल सेना कैंप का प्रारंभ दिनांक 30 जुलाई 2019 से 8 अगस्त 2019 तक शासकीय नर्मदा महाविद्यालय परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 623 बच्चों ने भाग लिया है। ये सभी अलग अलग शहरों से हैं और कैंप कमांडेंट कर्नल आरएस मल्हारी ने बताया कि इस संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में 475 एनसीसी छात्र छात्रा सैनिक विभिन्न 5 बटालियन के भाग ले रहे हैं, और जबकि थल सेना कैंप 148 एनसीसी छात्र एवं छात्रा भाग ले रहे हैं। कैंप का मुख्य उद्देश्य आगामी थल सेना कैंप के लिए एनसीसी कैडेटों का चयन किया जाना है, और इस कैंप के दौरान छात्र सैनिकों को विभिन्न सैन्य विषयों का एवं शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस विभिन्न कंपटीशन के माध्यम से बेस्ट कैडेटों का चयन भोपाल ग्रुप के लिए किया जाएगा। लॉन्च कैंप कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि 13 एनसीसी बटालियन भोपाल ग्रुप हेडक्वार्टर के उसके लिए हम यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम बच्चों की टीम जो टीएससी के अंदर दिल्ली में जाएगी, उसके लिए हम सागर में भेजने के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। यहाँ सारे बच्चे भोपाल ग्रुप से आए हुए हैं, वो बच्चों की पूरी ट्रेनिंग कर रही है। इतने खराब मौसम होने के बावजूद बच्चों में पूरा जोश है, उसके बावजूद बच्चों जितना अच्छा कार्रवाई यहाँ पे कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे जाके एक अच्छा रिजल्ट निकाल करके देंगे हमारे को। और आज के इस समाज में पुलिस विभाग का किस तरह से हमारे जीवन में अहम योगदान होता है। समाज में सुरक्षा अपराधियों को सजा, उनकी धरपकड़ और निगरानी में पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारी से लेकर आला अफसर तक रात दिन विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएं देते हैं। इस महत्व को समझाने के लिए कोतवाली थाना में छात्राओं को पुलिस बाल मित्र अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ कार्यक्रम में आसपास के लगभग 300 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को जानकारी दी गई कि पुलिस कैसे कार्य करती है। बॉर्डर में बरघटा एक स्थान है, जहाँ पे आफ्ताब करके लड़का अपने दो साथियों के साथ में उसको रोक करके मारपीट किया और उसके ट्रक को ले गया। उसमें चक्षुदर्शी साक्षी एक घटना में देख रहे थे शारदा पांडे, उन्होंने तत्काल जो है 100 डायल पे इसकी सूचना दी। पुलिस तत्क्षण जो है सक्रिय होकर के उनको घेराबंदी की, अंधेरा था, उसे अंधेरे का फायदा उठा करके वो जंगल में भाग गया है, पुलिस की टीम उसके पीछे पीछे। और इंदौर के देपालपुर में शासकीय प्राथमिक विद्यालय में जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गोष्ट भी आयोजित की गई, और इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण करके वृक्षों की पूजा की गई, और साथ ही विचार गोष्ठी के माध्यम से समाज के विभिन्न बुराइयों और समस्याओं के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें इलाके के कई वरिष्ठ समाजसेवी भी मौजूद रहे। महेश्वर में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर भोलेनाथ की गुफा है, जहां सावन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। स्थानीय लोग इस गुफा को छोटा अमरनाथ के नाम से भी जानते हैं। ये गुफा पहाड़ी इलाके में है, जहां दिन में तो भक्त जा सकते हैं, लेकिन रात में भक्त खराब रास्ता नहीं होने की वजह से पहुंच पाते हैं। यहां पर ना तो कोई बिजली की व्यवस्था है और न ही रास्ते ठीक है। भक्तों का कहना है कि अगर यहां पर रास्ते की परेशानी दूर हो जाए तो रोज सैकड़ों भक्त छोटे अमरनाथ के दर्शन कर सकते हैं। शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए कमलनाथ सरकार करोड़ रुपया खर्च कर रही है, जिससे आदिवासी इलाकों में छात्र रहने वाले छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा मिल सके। लेकिन सीहोर के आदिवासी इलाके की झाली ग्राम पंचायत में आज भी छप्पर के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लगभग 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी यहां मौजूद प्राथमिक विद्यालयों में हालात जस के तस हैं। स्कूल में 65 छात्र हैं, जिन्हें 3 गेस्ट टीचर पढ़ाते हैं। सितंबर 2013 से संचालित हो रहा, मतलब शासन के निर्देश अनुसार उसको अपने अलग मजरा टोला में स्वीकृत होगा था, वो भवन शाला संचालित हो रही थी। तो इसमें अभी तक भवन क्यों नहीं बन पाया सर? वहाँ पे डीपीसी साहब भी आए, डीपीसी साहब ने भी उनका यहाँ से निरीक्षण किया, लिख ले गए, इसके बाद भी नहीं हुआ। और हमने भी बार बार प्रस्ताव SMC का वरिष्ठ कार्यालय को दिया। पिपलिया की जो प्राथमिक शाला है वो 2013 से संचालित है, और भवन निर्माण के लिए हमने वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखा है, और इससे पूर्व भी अवगत किया गया है, और जैसे ही स्वीकृति मिलती है हमें तो निश्चित रूप से भवन शीघ्र ही निर्माण करा दिया जाएगा। मानसून की सक्रियता ने राज्य के अधिकांश हिस्से को
तरबतर कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। हालांकि विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की संभावना कम है। 3-4 दिन बाद कुछ स्थानों पर फिर भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन बाद 4 अगस्त को बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र फिर बन सकता है, जिससे मध्य प्रदेश में 6 अगस्त के आसपास पुनः तेज बारिश होने की संभावना है। गुना के रुढ़ियाई में बारिश ने माध्यमिक विद्यालय की स्थिति बहुत खराब हो गई है। हालत यह है कि बैठने की जगह न होने से शिक्षकों को छात्रों की छुट्टी करनी पड़ रही है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने नगर नालियों की सफाई कराने की गुजारिश की है, लेकिन समय पर सफाई नहीं होने से यहाँ की नालियाँ चौक हो गई हैं, जिससे सड़क का पानी विद्यालय में भर गया और मजबूरन बच्चों की छुट्टियाँ करनी पड़ रही है। अरे आप लोग ले लो पानी में गले। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।